वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखिर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है, टॉपिक है बेटा मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं एंड मेटलोइड्स जिनको बेटा सेमी मेटल भी बोलते हैं। बेटा जिनको सेमी मेटल, सेमी नॉन मेटल नहीं बोलते बेटे, सेमी मेटल्स बोलते हैं बेटे। अगर अब तक आपने अपने चैनल जाखिर केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। एक तो क्लासिफिकेशन है बेटे एलिमेंट का, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एक और ब्रॉड क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलोइड्स। ये शुभ कार्य लेओजीर के द्वारा किया गया था बेटे। लेओजीर डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलोइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बेटे मेटल्स की बात करेंगे बेटा, जिनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं बेटे। मेटल का दूसरा नाम है बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो मेटल क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी, विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन या कैटायन, और मेटल के कैटायन को कर्नल भी बोलते हैं बेटा, कर्नल बेटा। पॉजिटिव आयन कहो, कैटायन कहो, कर्नल बाई लॉस और बाई लॉस, सॉरी बेटे, बाई लॉस ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। एक भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी, आर कोल्ड, उनको बेटा मेटल्स बोलते हैं। तो एलिमेंट्स विच हैव जो रखते हैं एबिलिटी मानी क्षमता, टू फॉर्म मानी बनाने की पॉजिटिव आयन, कैटायन या कर्नल बाई लॉस ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो मोर देन, ये माना गया बेटे कि मोर देन 78% एलिमेंट्स आर मेटल। तो ये संख्या लगभग हो जाएगी बेटे 91 एलिमेंट है वो मेटल हैं, क्योंकि 100 एलिमेंट हैं तो उसमें 78 मेटल हैं, एक है तो 78/100 और टोटल एलिमेंट 118 बेटा। तो ये अपन देखेंगे ना बेटा, तो ये वैल्यू बेटा 91 के करीब आएगी बेटा। तो लगभग बेटे अराउंड 91 एलिमेंट्स, नियरली बेटे 91 एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं बेटा, मेटल हैं। बाकी जो 17 बच गए बेटे वो नॉन मेटल एंड मेटलोइड है बेटे। फिर हम बात करेंगे बेटे नॉन मेटल्स की भाई, नॉन मेटल्स या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटे, नेगेटिव एलिमेंट, एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म नेगेटिव आयन बेटा या एनायंस।
नॉन मेटल के एनायन का कोई स्पेशल नाम नहीं है, मेटल के कैटायन का स्पेशल नाम था कर्नल बेटे, बाई गेन ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल्स या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकन, दीज आर नॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये क्या है बेटा? नॉन मेटल है बेटा। फिर हम बात करेंगे बेटा मेटलोइड की। भाई अभी डेफिनेशन चल रही है बेटा। मेटलोइड्स बेटा या सेमी मेटल्स, मेटलोइड्स का दूसरा नाम सेमी मेटल, एलिमेंट्स विच हैव करेक्टरिस्टिक्स कहो या प्रॉपर्टीज बेटे, एलिमेंट्स विच हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेटा आर कॉल्ड मेटलोइड। वो एलिमेंट बेटे जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं उनको मेटलोइड कहते हैं बेटा। देखो एग्जाम्पल की बात करें बेटा, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, अर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी बेटे MONY, सेलेनियम, टेलुरियम, ETC। अब थोड़ा ध्यान से देखिए बेटे, 10th की NCERT बुक में भी और 11th की NCERT बुक में भी इनको मेटलोइड के एग्जाम्पल में इंक्लूड किया गया है बेटा। लेकिन जब 11th है, 11th क्लास को आप देखेंगे बेटा, 10th में है बेटा, 11th में सिलिकन 3rd यूनिट में मेटलोइड माना गया है, जब हम 11th यूनिट पर देंगे बेटा तो नॉन मेटल। तो आपके लिए कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि NCERT बुक में गलत लिखा हुआ है वो भी ठीक माना जाता है। तो आप यदि ये नॉन मेटल में एग्जाम्पल लिखोगे जब भी ठीक है बेटा, और मेटलोइड में लिखोगे जब भी ठीक है बेटा। लेकिन वास्तव में बेटा नॉन मेटल करेक्टर ज़्यादा होते हैं, इसमें मेटल कम होते हैं बेटा, इसलिए ये नॉन मेटल है ना कि मेटलोइड है बेटा, मेटलोइड बेटा। कोई मेटलोइड लिक्विड या गैस नहीं है, मेटल में मर्करी ऐसा है जो लिक्विड है बेटा रूम टेम्परेचर पे, बाकी सभी मेटल सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो ब्रोमीन नॉन मेटल ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, बाकी सभी नॉन मेटल या तो सॉलिड है या गैस। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल बेटा, मेटल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? तो देखो बेटा, नंबर वन, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं बेटा। सेकंड बेटा, दीज आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी HG बेटा, जिसका सिंबल HG है,
एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे मरकरी को छोड़कर सभी सोलिड हैं बेटा। दीज आर जनरली हार्ड, मेटल हैं वो जनरली हार्ड हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम ये सॉफ्ट है। मरकरी भी सॉफ्ट है, कैडमियम भी सॉफ्ट है। फोर्थ बेटा, दीज हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट। कुछ मेटल हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मरकरी, कैडमियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बेटा, बाकी का हाई होता है। दीज आर मेलिएबल होते हैं बेटा। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी चेंज इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग, बाय बीटिंग। डक्टाइल, द प्रॉपर्टी बाय विच एलिमेंट कैन ड्रान इन टू वायर्स, डक्टिलिटी, वो एलिमेंट डक्टाइल कहलाएंगे। सोनोरस, दे प्रोड्यूस साउंड बेटा व्हेन बीटन बाय हार्ड सरफेस। लस्टर, हैव लस्टर बेटा, हैव शाइनिंग प्रॉपर्टी, लस्टर रखते हैं बेटा, ईटीसी बेटा। मेटल्स जनरली शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और कई बार ऐसा होता है कि एक कंपाउंड में दो मेटल हों तो एक की पॉजिटिव होगी, दूसरे की क्या होगी बेटा, नेगेटिव। तो जनरली है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मेटल्स जनरली फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, बाकी बेरिलियम का ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है बेटा, एल्युमिनियम का भी एम्फोटेरिक है, जिंक का भी एम्फोटेरिक है, पीबी का भी, लेड का भी, टिन का भी, लेकिन ज़्यादातर है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल का कोई भी ऑक्साइड एसिडिक नहीं होता। ऐसे बेटे नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कहेंगे भाई नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट कार्बन यानी ग्रेफाइट बेटे जो कि गुड कंडक्टर है। फिर बेटा दे आर जनरली सॉलिड और गैस, या सोलिड लिक्विड गैस तीनों है, या जनरली सोलिड एंड गैस है, ब्रोमीन को छोड़कर जो कि लिक्विड है बेटे रूम टेम्परेचर में। दीज आर जनरली सॉफ्ट है बेटे, कार्बन बोरोन को छोड़ दें बेटा जो कि हार्ड होते हैं, बाकी जनरली सॉफ्ट है बेटा। दीज हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, बोरोन कार्बन का ज़्यादा होता है, डायमंड का तो सबसे ज़्यादा है बेटा। दीज आर नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल, नॉट सोनोरस, हैव नो लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट, दो है बेटा जो लस्टर रखते हैं नॉन मेटल में, एक आयोडीन और ग्रेफाइट, बाकी लस्टर नहीं रखते। बात जहां तक मेटलॉइड की है तो आपको पता ही है बेटा, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की करेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, ज्यादा नहीं, वेरिएशन ऑफ वेरिएशन माने चेंज बेटा, चेंज, वेरिएशन ऑफ मेटलिक करेक्टर इन ए पीरियडिक टेबल बेटा। पीरियडिक टेबल में दो ही बातें हैं बेटा, एक ग्रुप और एक पीरियड बेटा। तो ए करते हैं बेटा इन ए ग्रुप, ग्रुप कहो, सेट कहो, फैमिली कहो, तो इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटलिक करेक्टर जनरली लिखेंगे बेटा, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है बेटा। मेटलिक करेक्टर्स जनरली इंक्रीजेज बेटा, मेटलिक करेक्टर वो जनरली इंक्रीज होता है बेटा। और बात करें बेटा अलोंग ए पीरियड कहो, वो डाउन द ग्रुप था बेटा, या सीरीज कहो बेटा, पीरियड में मेनली उन्हें सीरीज कहा था बेटा,
मोस्टली इन ए पीरियड कहा था, अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज है, ग्रुप वर्टिकल कॉलम है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटलिक करेक्टर जनरली डिक्रीज बेटा। फिर बात आएगी बेटा नॉन मेटलिक करेक्टर की, तो ग्रुप में जनरली डिक्रीज हो जाएंगे और पीरियड में जनरली इंक्रीज हो जाएंगे, रिवर्स होते हैं बेटे नॉन मेटलिक करेक्टर मेटलिक से। अब जैसे बताया था मेटलिक मेटल है वो जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो नॉन मेटल क्या बनाएंगे, जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स, कुछ एम्फोटेरिक भी बनाते हैं, कुछ न्यूट्रल भी बनाते हैं बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी कोशिश रहेगी बेटे कि आपके क्वेश्चन का आज या कल जवाब दिया जाए बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।